अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकू बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोन के अंदर एक ही व्हाट्सएप में दो अकाउंट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब हम दो अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर, सो हम क्या करते हैं कि हम एक व्हाट्सएप मैसेंजर इंस्टॉल करते हैं और दूसरा हम व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक फ़ोन के अंदर एक ही व्हाट्सएप के अंदर दो अकाउंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग एक व्हाट्सएप के अंदर अपने दो व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो किस तरह यूज़ करना है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वीडियो को लाइक करें ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप का ऐप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक बटन नज़र आएगा, थ्री डॉट्स वाला। ओके, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेटिंग में जाना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे एक डाउन सा एरो बना है। ओके, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, एक अकाउंट आपका जो है ना वो लॉगिन होगा और दूसरा अभी हमने ऐड करना है, तो आप लोगों ने ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो भी नया व्हाट्सएप आप यूज़ करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी है, ओके, तो वो नंबर आप लोग इंटर करेंगे। सो यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, अभी आप जो सेकंड अकाउंट बनाने वाले हैं, ओके, तो आप लोगों ने वो नंबर यहाँ पर इंटर करना है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मलेशिया है, तो यहाँ से मैं कंट्री चेंज करता हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान करता हूँ। ओके, क्योंकि हमारा जो सिम है वो पाकिस्तानी सिम है, तो मैं उसके ऊपर अपना दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट बनाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं वो नंबर डायल करूँगा। नंबर डायल करने के बाद आप लोगों ने नीचे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी इस नंबर के ऊपर आपको एक कोड आ जाएगा। ओके, और यहाँ से आप लोगों ने यस करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये एक फ़ोन आएगा और फ़ोन में आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो कोड है वो ये है। ओके, लेकिन मैं कोड जो है ना एसएमएस के ज़रिए हासिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिप्लाई इन अदर वे, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, सो अभी हमने जो नंबर एंटर किया है इसी के ऊपर हमें एक कोड आ जाएगा। ओके, सो मैं वेट करता हूँ। ओके, तो आपने जो नंबर एंटर किया है उसी के ऊपर आपको एक कोड आएगा और वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अभी आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप का नेम लिखना है। ओके, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और अभी आपका जो अकाउंट है वो व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। ओके, और अभी मैं आपको ये दिखाऊँगा कि आप दोनों अकाउंट एक व्हाट्सएप के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना जो सेकंड अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अगर अभी आपने फर्स्ट वाले अकाउंट में जाना है तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोफाइल के नीचे नाम है, नाम पर ये जो छोटा सा डाउन एरो है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके दोनों अकाउंट आपको शो हो जाएंगे, जिसमें आपने जाना है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करें। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला अकाउंट है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी हम स्विच कर लेंगे अपने फर्स्ट व्हाट्सएप अकाउंट में। ओके, सो अभी आप लोग देख सकते हैं हम अपने फर्स्ट वाले अकाउंट में आ चुके हैं। अगर अभी आपने दोबारा जाना है सेकंड अकाउंट में, तो यहाँ पे ऊपर ये जो थ्री डॉट वाला बटन है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें या और यहाँ पे नीचे स्विच अकाउंट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। ओके, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इजीली स्विच कर लेंगे। सो अभी हम दोबारा न्यू में आ चुके हैं। ओके, सो ये तरीका है, ये प्रोसेस है और इस तरह आप जो है ना अपने फर्स्ट या सेकंड अकाउंट में जा सकते हैं, आप लोग स्विच कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह हम एक व्हाट्सएप के अंदर दो अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो न्यू फ्यूचर है व्हाट्सएप का, ये बहुत अमेजिंग है, आप एक ही जगह में अपने दो अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें। चैनल पर नए बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।